ट्विटर। आज हम इसका ब्लॉक डायग्राम करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि जो नॉर्मल जो डेफिनेशंस हैं कि पिक्चर एलिमेंट्स क्या होते हैं। वो एलिमेंट्स एरिया जिसमें पिक्चर डिटेल कुछ पिक्सल्स में ब्रोकर होती है उसे पिक्चर एलिमेंट होते हैं। मतलब कि टेलीविजन की स्क्रीन के पीछे जो है पिक्सल्स होते हैं जिसमें से पिक्चर बनती है, वो सारे पिक्सल्स मिलके एक पिक्चर बनाते हैं, उन्हें पिक्चर एलिमेंट बोलते हैं। ये एक साथ जब जुड़ जाते हैं, जो सारे पिक्सल्स एक साथ जुड़ जाते हैं, उसके बाद हमें पिक्चर की इंफॉर्मेशन देते हैं कि वो कौन सी पिक्चर है। कभी कभी क्या हो जाता है कि प्रॉब्लम आ जाती है पिक्चर की ट्रांसमिशन में, ऐसा क्योंकि जो इसकी ट्रांसमिशन होती है वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती है, क्योंकि इसमें बहुत सारे पिक्चर्स एक साथ सेंड करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पिक्चर्स होती हैं, इंफॉर्मेशन होती है जो ट्रांसमिट की जाती है और सिमटेनियसली ट्रांसमिट की जाती है, जिस वजह से इनमें प्रॉब्लम आ जाती है। और उसमें क्या हो जाता है कि पिक्चर में ब्राइटनेस के लेवल भी होते हैं, जो सीन्स पे हमें शो होते हैं, तो ये जो है इसमें थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। जो पिक्चर एलिमेंट जो हमारी इंफॉर्मेशन होती है वो दो वेरिएबल्स पे डिपेंड करती है, एक होती है टाइम और दूसरी होती है स्पेस, इन दोनों चीजों पे डिपेंड करती है। अभी हम देख रहे हैं जो हमारा टेलीविजन ट्रांसमीटर है, सबसे पहले है टेलीविजन कैमरा। देखिए, जो टीवी कैमरा होगा ये हीट होता है जिसमें एक कैमरा ट्यूब होती है। देखिए यहाँ पे क्या होगा, इससे लाइट फॉल की जाएगी। यहाँ पे कैमरा ट्यूब होती है जिसमें इसको हीट किया जाता है, और ये जो कैमरा होता है ये क्या करता है, कन्वर्ट करता है ऑप्टिकल इंफॉर्मेशन को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में। यानी कि टेलीविजन कैमरा की जो आउटपुट आएगी वो क्या करेगी, इलेक्ट्रिकल सिग्नल होगी, जो इनपुट होगी वो ऑप्टिकल में होगी, यानी ऑप्टिकल इंफॉर्मेशन को ये क्या करता है, उसके कोरेस्पोंड एक इलेक्ट्रिक सिग्नल प्रोड्यूस करता है, और उसका जो एम्पलीट्यूड होता है वो जो भी पिक्चर की ब्राइटनेस होगी उसके अकॉर्डिंग वेरी करेगा। और इसके बाद जब टीवी कैमरा की जो हमारी आउटपुट आती है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, उसे ट्रांसमिट किया जाता है, पास किया जाता है वीडियो एम्पलीफायर, क्योंकि देखिए जब भी ट्रांसमीटर होगा कि वीडियो और ऑडियो को मिक्स करके ट्रांसमिट किया जाता है। वीडियो एम्पलीफायर क्या करेगा, जो भी लाइट, जो भी उसकी लाइट होगी, जो भी उसकी ब्राइटनेस होगी, उसको एम्पलीफाई करेगा और उसे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन करेगा। ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होगा जो कि एम्पलीफायर होगा, AM मॉड्यूलेटिंग एम्पलीफायर। अब ये तो हमने बात की है कि जो हमारी वीडियो होगी उसकी, जो पिक्चर होगी उसकी। नेक्स्ट होता है हमारा स्कैन एंड सिंक्रोनाइज सर्किट। टेलीविजन कैमरा और AM मॉड्यूलेटिंग एम्पलीफायर के साथ स्कैन और सिंक्रोनाइज सर्किट लगाया जाता है। ये क्या करता है, जो भी पिक्चर होगी उसे स्कैन करेगा और उसको पर्टिकुलरली सिंक्रोनाइज करेगा। ऐसा क्यों किया जाता है, क्योंकि अगर हम इसका यूज नहीं करते तो क्या होता है, पिक्चर की जो डिटेल होती है वो स्प्लिट हो जाती है, कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए सिंक्रोनाइज रखता है, एंश्योर करता है कि जो परफेक्टली सिंक्रोनाइज हो रही है, जो जो हमारा सीन है, ये जो शो करना है, टेलीविज करना है, वो प्रॉपर है या नहीं, जो पिक्चर प्रोडक्ट है उसके रेट को शो करता है सिंक्रोनाइज पल्स के थ्रू। ट्रांसमिशन के ड्यूरेशन में ये ऐड किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा माइक्रोफोन। ये तो वीडियो की बात हो गई, सिर्फ वीडियो, इसमें साउंड नहीं है, ऑडियो नहीं, ठीक है ना, ऑडियो अलग से प्रोवाइड की जाती है। माइक्रोफोन से क्या किया जाता है, ऑडियो प्रोवाइड की जाती है, जो भी ऑडियो होगी ऑडियो एम्पलीफायर उसे एम्पलीफाई करेगा, और एम्पलीफाई करने के बाद उसे FM मॉड्यूलेटिंग पे भेज दिया जाता है। लेकिन जो माइक्रोफोन है ये करेगा, कन्वर्ट करेगा साउंड को, जो भी हमारी जो हमारी साउंड होगी जो माइक्रोफोन से जाएगी, वो साउंड यहाँ से जो साउंड जाएगी वो इसके साथ होगी, यानी कि जो वीडियो पे देनी है साउंड, वो साउंड जो माइक्रोफोन करेगा एक साउंड एसोसिएट करेगा पिक्चर के साथ,
और जो जिसको टीवी पे जिस पिक्चर के साथ जो साउंड देनी है वो वाली साउंड, जो प्रोपोर्शनल होगी, जो भी माइक्रोफोन जाएगी वो एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल के प्रोपोर्शनल होगी, जो कि नॉर्मली एक वोल्टेज होती है। देखिए इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रिकल आउटपुट आएगी और ये वेव फॉर्म होगी, इसको हम वेव फॉर्म बोल सकते हैं, जिसे मिक्स करके ट्रांसमिट किया जाता है। अब ऑडियो एम्पलीफायर के बाद एफएम, जो कि फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन होता है, एफएम मॉड्यूलेटिंग एम्पलीफायर को प्रोवाइड किया जाता है। वीडियो को एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन करता है, ऑडियो को फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन, क्योंकि ऑडियो की फ्रिक्वेंसी को मॉड्यूलेट किया जाता है। और उसके बाद क्या होगा, एफएम साउंड ट्रांसमिशन, जो भी साउंड आएगी उसे क्या किया जाएगा, ट्रांसमिट किया जाएगा। लेकिन उससे पहले इसमें एक और स्टेप है, देखिए हम इसको ऐसे ही सेंड नहीं कर सकते, हमें पर्टिकुलर ऑसिलेशंस चाहिए होते हैं सेंड करने के लिए। तो क्रिस्टल ऑसिलेटर इसमें यूज किया, क्रिस्टल ऑसिलेटर क्या करेगा, ऑसिलेशंस को प्रोड्यूस करेगा और उसे रेडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर पे भेजा जाएगा। आरएफ एम्पलीफायर क्या करेगा, उसे एम्पलीफाई करेगा और फिर उसे पावर एम्पलीफायर पे सेंड किया जाएगा। देखिए इसमें क्या होगा, जो फ्रीक्वेंसी होती है वो वैरी करती है कैरियर के अकॉर्डिंग, इसमें एम्पलीट्यूड वैरी करता है, ठीक है ना। ये रेडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर है, जो रेडियो फ्रीक्वेंसी होती है उन्हें एम्पलीफाई करता है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि जो भी यहाँ से एएम मॉड्यूलेटिंग एम्पलीफायर है उसे पावर एम्पलीफायर पे भेजा जाएगा, जो कि पावर एम्पलीफायर उसे एम्पलीफाई करेगा ऑसिलेशंस के साथ। और इन दोनों सिग्नल्स को, ये जो यहाँ से सिग्नल आएगा वीडियो का और यहाँ जाएगा ऑडियो का, दोनों को कॉम्बिनेशन सर्किट में मिक्स कर दिया जाएगा और उसके बाद उसे एंटीना से ट्रांसमिट कर दिया जाता है पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे, पर्टिकुलर वेव पे, पर्टिकुलर वेवलेंथ। ये होता है टेलीविजन का, जो मोनो क्रोम टेलीविजन है उसका ट्रांसमिशन। थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू।